3 फरवरी 2024 को 2:15 पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे आईएम संबलपुर के परमानेंट कैंपस पे उनका आगमन होगा और उसमें वो आ रहे हैं वहाँ के जो परमानेंट कैंपस का उद्घाटन करने के लिए। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2 जनवरी 2021 को भारतीय प्रबंधन संस्थान संबलपुर की नींव रखी थी और आज उन्हीं के कर कमलों के द्वारा 3 फरवरी 2024 को उनका उद्घाटन उन्हीं के कर कमलों के द्वारा होने जा रहा है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे संस्थान के लिए, हमारे संबलपुर के लिए, हमारे उड़ीसा के लिए और हमारे पूरे सारे मैनेजमेंट के जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं उन सबके लिए। क्या क्या शेड्यूल है सर, प्रोग्राम शुरू कितने बजे होगा सर? प्रधानमंत्री जी 2:15 पे उनकी प्लेन लैंड करेगी आईएम संबलपुर के कैंपस पे और सबसे पहले वो हमारे कैंपस का इनॉग्रेशन करेंगे और उसमें जो है उनका वॉक थ्रू भी होगा कैंपस का। उसके बाद वो वहाँ करीब 4 से 5 हजार हमारे इंटेलेक्चुअल क्राउड ऑफिशियल्स जितने हैं, करीब 23 प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन उनके कर कमलों द्वारा होना है, वो भी उसी संस्थान के भीतर ही एक कार्यक्रम में करेंगे। और इसमें जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल क्राउड, मीडिया, इनको हम लोगों ने इन्वाइट किया है और ये कार्यक्रम करीब 3 बजे तक चलेगा। और प्रधानमंत्री जी के अलावा हमारे शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी और हमारे गवर्नर श्री रघुबर जी, ये सारे लोग भी आएंगे और भी कुछ मंत्री उसमें आ सकते हैं जिसका भी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे लोकल एमपी और एमएलए भी आएंगे और दूसरे कुछ और भी मंत्री, पावर मंत्री भी आ सकते हैं। हाँ, तो अभी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पॉलिसी एंड जो विजन है उसमें उन्होंने स्टार्टअप को और क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत सारी उन्होंने जो बदलाव किया है उसकी वजह से अब नौकरशाही का समय खत्म हो रहा है भारत में और अब हर आदमी जो है एक नया आविष्कार या नया व्यवसाय क्रिएट करना चाहता है। तो उस दिशा में हमको लगता है कि आईएम संबलपुर भी काम कर रहा है और इसमें प्रधानमंत्री जी की जो पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। और आपने देखा होगा बहुत सारे कानूनों को उन्होंने चेंज किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आज हिंदुस्तान में बहुत इम्प्रूव हुआ है और उसकी वजह से ही आपने देखा होगा स्टार्टअप में भारत नंबर 3 पे पहुंच चुका है, GDP नंबर 5 पे है और नेक्स्ट 2 या 3 ईयर्स में अगर ग्रोथ रेट 7% जो भी चल रहा है उसकी पूरी उम्मीद चलेगा तो ये नंबर 3 पे पहुंच जाएगा और नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स में भारत वर्ल्ड का नंबर 1 इकोनॉमी होगा। बाईस प्रोजेक्ट और हैं आईएम के अलावा जिसमें कोल के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ गेल के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ नावेली लिंगलाइट के प्रोजेक्ट्स हैं। इस तरह से 23 प्रोजेक्ट्स और हैं, करीब 51,000 करोड़ का इसमें इनॉग्रेशन जो है पूरा उसका करेंगे प्रधानमंत्री जी। कैंपस तो ऐसे ही इनबिल्ट डेकोरेटेड है, आप जाएंगे आईएम संबलपुर का कैंपस पूरा लाइटेड रहता है रात में भी और उसमें संबलपुर 1 की छाप दिन और रात आपको दिखेगा, उसमें ज्यादा डेकोरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑलरेडी डेकोरेटेड कैंपस है। लेकिन हर तरह से हर्ष उत्साह और हृदय से जो हमारा वहाँ के जो डेकोरेशन है, जो वहाँ के हमारे एम्प्लॉई हैं, हमारे स्टाफ, फैकल्टी, स्टूडेंट इतने उत्साहित हैं, उनको समझ जान करके प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, एक रेयर अपॉर्चुनिटीज है। आज तक ऐसे संस्थान बहुत कम संस्थान है जिन्होंने प्रधानमंत्री जी का जो है आगमन हुआ होगा हिंदुस्तान में। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।